हम लगातार चुनाव के समय वहाँ उपस्थित थे हमारी टीम, तो ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ था और इसको विपक्ष मुद्दा ही बनाए थे चुनावी रैली के दौरान के पलटू बाज है, वो कांग्रेस में थे पहले बीजेपी में चले गए हैं, उनकी कोई एक स्टैंड नहीं है, तो ऐसे लोगों पे ऐसे प्रत्याशी पे जनता विश्वास नहीं करेगी, ये बात लगातार निकल के आ रही थी। तो कैसे अब लोगों को, जनता को या फिर वोटर को कन्विंस कर रहे थे कि नहीं, मैं जी हाँ अभी जहाँ हूँ वो ठीक है और ये पार्टी सही काम कर रही है। मैं जनता को ये पता था कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि 550 वर्षों के बाद भगवान राम अपने ही अयोध्या में एक झोपड़ी में थे और 550 वर्षों के बाद आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से वो मंदिर बना, जिससे हमारे हिंदू समाज के मन में भी एक बात तो थी ही। और बाकी कहने वाले तो कई तरह के बात कहते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। हम जनता का सेवा करना चाहते हैं ये लोगों को पता है, और इसलिए लोग चाहे जिस तरह से भी कहते रहे, जनताओं को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कम मार्जिन से जीते ज़्यादा मार्जिन से जीते वो अलग विषय है, लेकिन जो लक्ष्य था उस लक्ष्य तक जनता तो पहुंचा दी, और जनता को भली भांति जानकारी है कि हमारे दुख सुख में कौन साथ खड़े रहेंगे, उसी हिसाब से जनता सुनती है और सुनी है। जी।